पूर्व राज्यसभा सांसद और जदयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अहमद अशफाक करीम ने विधानसभा चुनाव के मौसम से पहले कटिहार में जदयू पार्टी से जुड़े हुए अपने निजी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जदयू के नेता भी उपस्थित थे। हाल के दिनों में जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए इतने काम करने के बावजूद जदयू को वोट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जदयू के कदावर नेता गुलाम रसूल बलियाबी के द्वारा नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग गद्दार होंगे जैसे दो बड़े नेताओं के बयान पर पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने कहा कि निश्चित तौर पर जो काम अब तक अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार ने किया है वह पूरी वोट में पहले तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन हाल के उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में अल्पसंख्यक वोट भी भारी मात्रा में जदयू को मिला है और पार्टी के पास भी यह फीडबैक है। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ टेलर है। 2025 में अल्पसंख्यक समाज की बड़ा वोट इस बार जदयू के पक्ष में रहेगा। देखिए, मैंने भी समस्तीपुर में एक बयान दिया था कि मुसलमान 5%, 10%, 15% वोट देते आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अब जो अभी बेलागंज का चुनाव हुआ उसमें पार्टी ने भी जाना कि मुसलमानों ने अच्छी तादाद में वोट देने का काम किया। हम लोगों की गलती थी कि अकलियत के लिए जो नीतीश जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसको अकलियत तक या जनता तक पहुंचाने का काम जितना करना चाहिए था वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन और होना चाहिए था, वो नहीं हो सका था। लेकिन अब काफ़ी हद तक लोग जान चुके हैं, इसलिए अब वोट ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू किए हैं। अभी तो ये ट्रेलर नज़र आया, अकलियत के लोगों ने जितना वोट दिया है, जिसकी जो भी उसके जीत में एक बढ़ोतरी किया बेलागंज में, उसी तरह से मुझे लगता है कि अब जो सोच बन रही है और लोगों को ये मैसेज जा रहा है अब कि 2005 के पहले बिहार कैसा था, 2005 के बाद जब नीतीश जी का कार्यकाल आया, जब उन्होंने बागडोर संभाला बिहार के मुखिया के रूप में, तो ये प्रदेश, बिहार प्रदेश कहाँ पहुँच गया है, ये अब थोड़ा देर से ही लोगों को समझ में आया है। अकलियत के लोगों को और भी देर से समझ में आया है और मैं समझता हूँ कि जो उनको मैसेज जा रहा है, जो बातें हो रही हैं, माननीय नीतीश जी भी भाषण में हर जगह बोलने लगे हैं अकलियत के सिलसिले में भी कि मैंने सबके लिए काम किया, हर जात बरादरी के लिए काम किया, हर धर्म के लिए काम किया, अकलियत के लिए भी इतना काम किया उन्होंने, ये अब वो भी कह रहे हैं, उनके लोग भी कह रहे हैं, उनके वर्कर भी कह रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि 2025 में अकलियत का वोट नीतीश जी की झोली में, जेडीयू की झोली में जाने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग 245 सीट देखिएगा एनडीए जीतेगी, एनडीए कामयाब होगी और यह मैसेज सारे राज्यों में भी जाएगा जो असेंबली इलेक्शन होगा। नीतीश जी की जो छवि है, एक टेक्नोक्रेट जो आदमी काम कर सकता है वो एक कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए किसी दूसरे को जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनते हैं उनसे नीतीश जी की तुलना ही नहीं की जा सकती है। एक टेक्नोक्रेट, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, इसको सोचते हुए आम जनता एनडीए की तरफ और नीतीश जी की तरफ देख रही है। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।